सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दोस्तों मेरे पुराने वीडियोस पे कई सारे कमेंट आए थे कि हमें 2022 में शेवलेट की बीट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे पास भी बीट है तो मैं इसके बारे में अच्छे से आपको बता सकता हूँ, और मेरे पास 4-5 साल से ये गाड़ी मेरे पास है। तो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, 2017 में दोस्तों शेवलेट ने अपनी सेलिंग ऑपरेशन बंद कर दिए थे इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट यही है। प्रोडक्शन चालू है, हालांकि बीट का ही प्रोडक्शन चालू है, लेकिन वो सारी एक्सपोर्ट्स के लिए। तो कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों, हमें कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, इसका साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट है, जो आपको ट्रैफिक में आसानी से चलने में या गाड़ी को आराम से निकालने में बहुत ही हेल्पफुल है। इनिशियल टॉर्क बहुत ही प्यारा है गाड़ी का, सफिशियंट पावर आपको मिलता है गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए। आप चाहे स्पीड में हो या फिर स्लो, आपकी टेक्निक अच्छी है तो आप आराम से पावर जनरेट कर सकते हो। पावर आपको इतना आराम से मिल जाएगा कि आप ओवरटेक कर सकते हो। बात की जाए गाड़ी को 2022 में लेने की, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए गाड़ी लेने से पहले। क्या है वो पॉइंट्स, मैं आपको इस वन बाय वन बताता हूँ। 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना होगा दोस्तों। सबसे पहला, इसके सर्विस सेंटर। आपको आज की तारीख में इसके सर्विस सेंटर कहीं भी इंडिया में नहीं मिलेंगे। हालांकि अगर आपके पास विश्वास पात्र कोई मैकेनिक है जो अच्छे से शेवलेट की गाड़ियों को रिपेयर कर सकता है या आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा देगा, तो आप शेवलेट बीट की तरफ जा सकते हो दोस्तों। दूसरा, अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो और आप सोच रहे हो कि मैं साल दो साल बाद गाड़ी बेच दूंगा, तो आप रीसेल वैल्यू की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इंडियन मार्केट से आपको पता ही है शेवलेट जा चुका है, तो इसकी रीसेल वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन अगर कंडीशन अच्छी हो तो। दोस्तों तीसरा पॉइंट और सबसे जरूरी पॉइंट है इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ही ना के बराबर है, क्योंकि 2017 में बंद हुई थी गाड़ी और 2022 आ चुका है, तो शेवलेट के पार्ट्स आपको आफ्टर मार्केट में बहुत ही रेयरली मिलेंगे, मिलेंगे भी तो डबल से भी ज्यादा भाव में मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन को प्रिफर करते हो तो budmo.com आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको सभी ब्रांड की सभी गाड़ियों के पार्ट्स आसानी से अवेलेबल मिल जाते हैं और रीजनेबल प्राइस में। मैंने भी 2 पार्ट्स एक मंगवा चुका हूँ। एक बार मेरी लेफ्ट साइड की हेडलाइट टूट गई थी, तो मैंने हेडलाइट का पूरा सेटअप मंगाया था और मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ उस प्रोडक्ट को लेकर के। और एक बार मेरा फ्यूल पंप खराब हो गया था, तो वो बुडमो से ही मैंने मंगाया था। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगा आने में, लेकिन अभी तक मेरे को कोई भी परेशानी नहीं आई है इन पार्ट्स में। तो ये तो गारंटी है कि आपको बुडमो पे सारे जेन्युइन प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन पे ट्रस्ट करते हो तो बिल्कुल आप ये शेवलेट की गाड़ी परचेज कर सकते। लेकिन दोस्तों आपको ये जरूर ध्यान रखना है, अगर आप डीजल इंजन पे जाते हो और आपको गाड़ी मिलती है 11, 12, 13 की, तो उस गाड़ी को लेने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डीजल इंजन की जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल की होती है। आप सिर्फ 1-2 साल चलाओगे और उसके बाद कोई सेंस नहीं है। आप 1.5-2 लाख रुपए या 1-1.5 लाख रुपए में आपको जो भी गाड़ी मिल रही है, तो 1-2 साल के लिए इतना इन्वेस्ट करना मैं वर्थ नहीं समझता। 14 के बाद की कोई भी मॉडल मिल रहा है डीजल इंजन में, तो बिल्कुल आप जा सकते हो, लेकिन कंडीशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी कंडीशन है तो बिल्कुल आप ले सकते हो, अगर थर्ड क्लास कंडीशन है तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ये सारे पॉइंट्स अगर आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल आप शेवलेट बीट डीजल ले सकते हो 2022 में। और अगर नहीं फुलफिल करते हैं तो आप अदर ऑप्शन में जा सकते हो, जैसे हुंडई इओन हुई, आपके पास i10 हुई, उसके बाद मारुति की ऑल्टो हुई और एस्प्रेसो भी है। थोड़ा सा बजट आपका मारुति के लिए बढ़ सकता है, लेकिन ये गाड़ियां ज्यादा प्रिफरेबल रहेगी आज की तारीख में एज कम्पेयर टू शेवलेट बीट। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है आप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा अगर आप सोच रहे हो शेवलेट की गाड़ी लेने का। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।